टीमगढ़ जनपद के विभिन्न डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर डीएम के कार्यालय के आने जाने वाले मुख्य मार्ग पर गेट के बाहर सुबह से धरना दे रहे महाविद्यालयों के छात्र नेताओं को जबरन हटाकर पुलिस वैन में डालकर जेल भेज दिया गया। एडीएम अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि इनको धारा 144 के उल्लंघन के चलते जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। सुबह 10 बजे से जब से छात्रगण डीएम के आने जाने के लिए बने रास्ते के गेट के बाहर बैठे थे, तभी से उनको प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर में अधिकारीगण ये सोचकर चले गए कि थककर खुद ही छात्रगण हट जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी छात्र वहां जमे रहे। अपराह्न को जब डीएम वापस आवास के लिए निकले तो छात्र गेट के बाहर ही जमीन पर बैठे रहे। इस दौरान एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा को छात्रों को देर से समझाते देख डीएम अपने वाहन से उतरे और उन्होंने भी छात्र नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन धरने पर बैठे छात्र नेता अपनी मांगों को मनवाने के लिए खड़े हुए थे। छात्र नेता छात्र संघ चुनाव की तिथि की तत्काल घोषणा की मांग कर रहे थे। वही अधिकारीगण कह रहे थे कि ये उनका काम नहीं, ये कॉलेज और विश्वविद्यालय का काम है, प्रशासन का काम केवल सुरक्षा वहाँ उपलब्ध कराना है। वहीं छात्र नेताओं का कहना है कि अन्य स्थानों पर चुनाव हो गए हैं लेकिन आजमगढ़ में नहीं। यहाँ 3 साल से लगातार कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग की जा रही है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन और जिला प्रशासन की तरफ से उनको केवल आश्वासन ही मिलता रहा। वहीं प्रशासन का कहना था कि आसपास के किसी जनपद में कोई छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। बीएचयू गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, मऊ, बलिया सभी का उदाहरण दिया गया। छात्रों ने बताया कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, इसकी वजह से महाविद्यालय में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है और विगत 3 वर्षों से कॉलेज प्रशासन, पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन को छात्र संघ चुनाव कराने की मांग के संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमको तत्काल छात्र संघ चुनाव कराने की तिथि चाहिए। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ तो छात्र जनपद में होने वाले सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। छात्रों के अड़ने पर जिलाधिकारी की गाड़ी वहां से वापस चली गई। कुछ देर बाद आला अधिकारियों के साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए। पूरा कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस द्वारा छात्रों को जबरिया उठाकर कोतवाली ले जाया गया। इस दौरान छात्रों ने शासन प्रशासन विरोधी नारे भी लगाए। जो है 8 या 9 छात्र हैं जो यहाँ पे लगातार जो है नारेबाजी कर रहे थे, उनसे कहा गया धारा 144 लगी हुए न्यायालय परिसर है, यहाँ चले जाइए। बहुत देर तक उनसे वार्ता की गई, नहीं माने तो 144 को उल्लंघन में उनको जेल भेजा जा रहा। धारा 144 में 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान खड़े नारेबाजी नहीं। छात्र संघ चुनाव के लेके धरने पे बैठे थे। छात्र संघ चुनाव तो अगर विद्यालय डेट दे तो हम लोग छात्र संघ कराएंगे चुनाव, उनसे बताया गया, लेकिन वो लोग जो है लगातार उपद्रव कर रहे थे इसलिए 144 छात्रों द्वारा डीएम को रोका भी गया है। नहीं नहीं, वो तो मान लो वहाँ बैठे थे तो 144 को उल्लंघन पे उनके खिलाफ कार्रवाई की। सर सुबह से बैठे थे, कार्रवाई नहीं की? नहीं नहीं, सुबह से उनसे वार्ता की गई। नहीं उनसे कार्रवाई की, उनसे वार्ता की गई लेकिन वो लोग हठधर्मता पे थे। ठीक।